अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आप लोग जाहिर है आजकल तैयारी कर रहे होंगे पीएमएस की, सीएसएस की, और तकरीबन हर दूसरे एस्पिरेंट को इस मसले का सामना करना पड़ता है कि जो वो शेड्यूल बनाते हैं उस पर पूरा नहीं उतर पाते फॉर सम रीज़न्स। रीज़न उनकी अपनी नाअहली हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, या फिर कोई मजबूरी, घर के काम या फिर ऑफिस के काम, ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकती है। अगर आप इन सब मसलों से दो चार हैं तो आपको आज मैं इस वीडियो में उसके दो हल बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे बताए हुए नहीं हैं बल्कि टॉप सीएसएस टॉपर दाऊद सलीमी के बताए हुए हैं। और दाऊद सलीमी को तो आप सब जानते होंगे, सीएसएस के इम्तिहानात में इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की थी, और इन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कि इन्होंने वर्ल्ड टाइम्स को दिया था, इन्होंने दो ऐसी एप्लीकेशंस बताई थी जो कि वाइल स्टडिंग स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि उनको मदद देती हैं अपना शेड्यूल पूरा करने में, ठीक है। तो आप लोग भी ऑब्वियसली बिला झिझक ये एप्लीकेशंस इस्तेमाल करके तो इन्हीं की तरह सीएसएस के एग्ज़ाम्स में टॉप कर सकते हैं इंशाल्लाह, अगर आपने उस पर अमल किया अपने शेड्यूल पर। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मैं आपको उन दोनों एप्लीकेशंस का नाम बताती हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताती हूँ कि आपने उन एप्लीकेशंस को ऑपरेट किस तरीके से करना है और अपना शेड्यूल उसके मुताबिक लेकर कैसे चलना है। तो जी, पहली एप्लीकेशन का नाम है टू डू लिस्ट और दूसरी एप्लीकेशन का नाम है एनी डू, ठीक है। और उसको ऑपरेट कैसे करें, आप उसमें अपने स्केड्यूल्स बना सकते हैं दिन का, ठीक है, महीने का, हफ्ते का, और सिर्फ यही नहीं, आप उसमें घंटों के हिसाब से भी अपना शेड्यूल तरतीब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दिन के 10 बजे रोज़ प्रेसी करनी है आपके शेड्यूल के मुताबिक, तो आप उसमें 10 बजे का अलार्म लगा सकते हैं, और कितनी देर के लिए करनी है आप उसमें ये भी पुट इन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बकायदा रिमाइंड करवाएगी एप्लीकेशन कि अब आप कितने दिन रह गए हैं, अब आप कितने दिन रह गए हैं, जो भी आपने उसमें, ऑब्वियसली आपको सेट तो करना पड़ेगा एक दफ़ा कि आपने टू डू लिस्ट बनानी है सारी की सारी, और फिर ऑब्वियसली आपने उसमें जब सारा कुछ एंटर कर ली इन्फॉर्मेशन, देन वो आपको रिमाइंड करवाएगी, और जिस तरह से रेनफोर्स करते हैं उस तरह से वो फिर एंड पे ये भी आएगा कि यस टास्क अकम्पलिशमेंट, और इस तरह के भी रिमार्क्स आएंगे, तो वो एक ज़रा बंदे को अच्छा फील होता है, एक अचीवमेंट बंदा फील करता है। तो आप ज़रूर ऐसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई में जो एक ब्लॉक आ जाता है वो ना आए और आप बस लगे रहें और काम करते रहें, मेहनत करते रहें अपनी, और उसमें कोई रुकावट ना आए। मैं आपको स्क्रीन पे भी ये दोनों एप्लीकेशंस शो कर देती हूँ और उनके ऑप्शंस भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और ये एप्लीकेशन का जो आइकॉन है, इसका जो प्रीफेस है वो कैसा दिखता है, ताकि आप लोगों को ये गूगल प्ले स्टोर पर ढूंढने में आसानी हो इन एप्लीकेशंस को। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप आसानियाँ बांटने वाले बने ना कि बुखील। अल्लाह हाफिज़।